और सब ठीक ठाक। तो गाइस आज हम जा रहे हैं कालूपीर शहीद के मज़ार पर। अचानक से बन गया है प्लान, घर वाले कहने लगे चलते हैं आज कालूपीर शहीद के मज़ार पर, वहाँ पर करेंगे हम दरगाह और वहाँ पर मेला भी लगता है। तो आज हम दिखाएंगे आपको कि कैसा मेला लगता है, कैसी दरगाह है वहाँ पर और वहाँ की दुआएँ भी कबूल होती है। तो गाइज़ आप भी आना अगर आपको भी अच्छा लगे तो, और चैनल पर नहीं तो चैनल कर लो सब्सक्राइब और लाइक करो, कमेंट करो, सपोर्ट करो यार प्लीज़। हम तभी आगे आपके नए नए ब्लॉग आपको दिखाएंगे। तो गाइज बने रहे वीडियो के अंत तक, दिखाते हैं आपको वहाँ का बाजार, वहाँ की जगह, वन वगैरह। हम आ चुके हैं कालूपीर शहीद के मज़ार पर, हम पहुंचने वाले हैं वहाँ पर और फिलहाल हम अभी रुके हुए हैं यहाँ पर वन में। अभी हमने अपनी गाड़ी पार्क करी है और अब हम जाएंगे वन की तरफ। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आज मेला लगता है, जुमेरात का दिन है आज, यहाँ पर मेला लगता है जुमेरात के दिन। तो हम अभी आपको दिखाते हैं कि यहाँ का मेला कैसा लगता है और काफ़ी अच्छा मज़ा भी आता है, बहुत अच्छी ठंडक भी है यहाँ पर और ये वन एरिया है बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से काफ़ी अच्छा है ये। अभी दिखाते हैं आपको मेला यहाँ का। ये देखो गाइस यहाँ मेला लग रहा है, अभी हम आपको अंदर का भी दिखाएंगे। ये देखो अच्छी तरीके से लग रहा है, अभी दिखाएंगे हम आपको अंदर से भी कि कैसा है ये मेला। अभी हम करेंगे यहाँ पर जो अंदर जाकर। तो गाइस भूख लग रही थी बहुत तेज़ और हमने खाया है फिलहाल खाना और अब हम यहाँ पर घूमेंगे अच्छे और देखेंगे यहाँ पर क्या क्या है, क्या क्या इंतज़ाम हैं। और यहाँ पर ऊँट वगैरह भी है जो सवारी करा रहे हैं, यहाँ पर ऊँट वगैरह भी है सवारी करा रहे हैं, अभी हम उनको भी दिखाएंगे। तो गाइस फिलहाल हम जा रहे हैं पानी भरने के लिए, पानी की कमी पड़ गई दोबारा पानी, यार कितना पानी पीते हैं, फिलहाल गर्मी बहुत हो रही है तो पानी तो पिया ही जा रहा है कुछ ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम चल रहे हैं फिलहाल पानी के लिए। पहले हम करते हैं वुजू और फिर करेंगे मज़ार पर एंट्री, तब करेंगे हम दरगाह। तो गाइस हमने कर लिया है वुजू और अब हम चलते हैं मज़ार की ओर। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मज़ार पर, यहाँ पर लग रही है बहुत भीड़। यहाँ तो बहुत भीड़ है, अभी हम करेंगे इधर से एंट्री और तब देखो नंबर आएगा हमारा भी, बहुत भीड़ है भाई यहाँ पर। तो आज जुमेरात का दिन है इसलिए यहाँ पर ज़्यादा भीड़ है। बहुत भीड़ तो हमने दरगाह कर ली है और अब हम निकलेंगे थोड़ा सा घूमने के लिए। और मैं वीडियो भी नहीं बना पाया वहाँ की, मैं शूट नहीं कर पाया बिल्कुल भी क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ थी, इसलिए हम
हमने वीडियो तो नहीं शूट की, लेकिन हमने दरगाह कर ली है और अब हम निकलेंगे घूमने के लिए। दिखाएंगे हम यहाँ पर कैसे कैसे बने, कैसे कैसे जगह हैं। पर एक कुआ है जो काफ़ी गहरा है, अभी दिखाते हैं हम आपको। तो गाइस हम बढ़ चुके हैं मेले के अंदर और हम दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है, क्या क्या है। और मेला टाइप से लगता है जुम्मे रात के दिन यहाँ पर, तो फिलहाल ये मेला टाइप से ही लगा हुआ है। ये मेले टाइप से लगा हुआ है यहाँ पर, हम दिखाते हैं आपको कि क्या क्या दुकानें हैं, कैसे कैसे है। आइए और यहाँ पर ये चादर बिक रही है चादर चढ़ाने के लिए। यहाँ पर ये मिठाई, और ये मिठाई है यहाँ पर, ये 100 रुपये में मिठाई मिलती है, 100 रुपये किलो ये मिठाई है यहाँ पर। और ये दिलवाली भी है, दो दो तरह की डिज़ाइन है यहाँ पर। ये देखो ये दिल वाला है और ये गोल वाला है। ये देखो यहाँ पर ये चीनी भी कर, और ये चादर वगैरह भी दिखी है यहाँ पर। इधर ये सॉफ्टी वगैरह भी है, काफ़ी अच्छा है। हम चलते हैं इधर, ये गॉगल्स भी हैं, चाहो तो आप गॉगल्स खरीद सकते हैं। कितने देने हैं? लड़कियां मन भी है हमारी, इतना थोड़ा ही कितने देने हैं? एक चश्मा भी ले ले यार, ऐसे करेगा नहीं यार। और यहाँ पर ये लेडीज है, यहाँ पर बैंगल्स बिकती हैं, बैंगल बिक रही है यहाँ पर, ये तो काफ़ी अच्छी अच्छी बैंगल्स। इधर आओ दिखाओ, ये दिखाओ इसको, काफ़ी अच्छे अच्छे बैंगल्स दिख रही हैं। वाह, पर खेल खिलौने हैं, और ये गुड़िया है। इधर भी है देखो, दो दुकान ये यहाँ पर साइड में मज़ार है, मज़ार के पास में ही ये सब मेला लग रहा है। ये देखो ये मज़ार है, मज़ार के साइड में मेला लग रहा है सब। यहाँ पे बर्तन वगैरह भी हैं, भी बिक रहा है यहाँ पर, खाने के हलवाई भी है। और दिखाते हैं हम आपको अभी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि ये खेल हो रहा है। देखो इसमें छल्ले डाले जाते हैं और छल्ले डालने पर जो चीज़ आएगी आपको वो मिलेगी। यहाँ पर देखो इसमें कुछ पैसे भी हैं, साबुन वगैरह हैं और काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं, जो सा भी छल्ला आएगा वो मिलेगा। तो गाइस मैंने ले लिए 4 छल्ले और मैं डालने की कोशिश करता हूँ उसमें, जिस पर भी डल गया वो मिलेगा। वहाँ पर 100 का नोट भी है, साबुन भी है और 20 का नोट भी, काफ़ी चीज़ें हैं। तो आप दिखाते हैं हम आपको, देखो।
एक और रह गया यार। शिट। इनका बनाओ इनका। शिट। ये भी रह गया, खैर नहीं डल पाया यहाँ पर, पैसे खर्च कर दिए हमने काफी तो डल नहीं पाया, फिर भी यहाँ पर ये, और ये सिर्फ पैसा कमाने का धंधा है, डल नहीं पा रहा बिल्कुल। कोशिश करना आप भी आकर, तो डलेगा फिर भी आपके लिए चैलेंज देता बता दिया। तो गाइस मेला तो काफ़ी बड़ा है, सब कुछ तो दिखा नहीं सकता, और इतने में भी आ गया मुझको पसीना, और हमने खेला था अभी गेम भी, फिर कुछ हासिल नहीं हुआ उसमें, लालच की बुरी बला है ये लालच, तो लालच तो करना ही नहीं चाहिए। आप भी खेल के देखना पहले, लेकिन डलेगा खैर आपसे भी नहीं, उम्मीद है मुझे। और अब हम चलते हैं घूमने के लिए और आगे, हम दिखाते हैं इस बार बंद, आपको बंद दिखाएंगे इस बार, हम चलो अंदर बंद दिखाएंगे इस बार, चलो। आ गए हम बनों की साइड, और यहाँ पर देखते हैं काफी हाई फाई घना जंगल है ये, यहाँ पर एकदम शांति का माहौल। तो गाइस ये बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ पर, वाओ कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का, ये गाइस एक न्यू चीज़ हम दिखाते हैं, देखो यहाँ पर ये होती है चींटियों की, ये देखो ये यहाँ पर चींटियों ने किसी तरीके से बनाया है इसको, ये देखो, और ये अंदर पता नहीं क्या है, मुझे डर लग रहा है, मैं ज़्यादा पास नहीं लेके जाऊँगा, जूम करके दिखाता हूँ आपको ऐसे ही, ये भाई पता नहीं बिल्कुल खोखला कर दिया है इसको, पता नहीं क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, ये तो बड़ी तरीके से बना रखा भाई, ये ढेरी है, ये पेड़ है, पेड़ के जड़ पर इन्होंने ऐसे बना रखा है ये। तो गाइस अब हमने बन भी सब में घूम लिया है बनों के अंदर भी, और यहाँ पर मिल गए मेरे एक ये साथ के दोस्त इत्तेफाक से, और ये भी हमारे यहीं के रहने वाले हैं, और हम चल रहे हैं घर की ओर, निकलेंगे यहाँ से और हम ब्लॉग करेंगे घर जाकर एंड। और गाइस अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और ब्लॉग में बताना आपको कौन सी चीज़ क्या पसंद आया, कुछ अगर क्वेश्चन वगैरह हो तो आप वो भी बोलना, और गाइस बस सपोर्ट करो यार, हम आगे भी आपको इसी तरीके से न्यू ब्लॉग, न्यू जगहें और नई नई चीज़ें दिखाते रहेंगे। गाइस बस सपोर्ट करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज़।